मंदरौनी के अर्जुन कॉलेज में मनाई गई कर्पूरी ठाकुर की जयंती। गोपालपुर विधायक ने कहा, अति पिछड़ों, शोषितों एवं गरीबों के रहनुमा थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। डंगरा प्रखंड क्षेत्र के मंदरौनी स्थित अर्जुन बीएड कॉलेज में नवगछिया जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। समारोह की अध्यक्षता जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार और संचालन युवा जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष त्रिपुरारी कुमार भारती कर रहे थे। समारोह को संबोधित करते हुए गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ों, शोषितों एवं गरीबों के रहनुमा थे। उन्होंने शोषितों, गरीबों एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिया। कार्यक्रम को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। मौके पर जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह, जदयू नेता गुलशन कुमार, सुबोध शाह, जयशंकर सिंह, विमल देव राय, मुरारी मंडल, चितरंजन शर्मा, रूपक पटेल, प्रिंस पटेल समेत कई मौजूद थे। रंगरा चौक पर हुए सड़क हादसे में युवक घायल। रंगरा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग चौक पर हुए सड़क हादसे में भवानीपुर निवासी युवक गौरव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है। गौरव का इलाज नवगछिया के एक निजी क्लिनिक में कराया गया है। जानकारी मिली है कि रंगरा से अपने गांव जाने के क्रम में गौरव की मोटरसाइकिल एक जुगाड़ गाड़ी में टकरा जाने की वजह से वह घायल हो गया। पचगछिया की टीम ने रंगरा की टीम को किया पराजित। रंगरा में चल रहे T20 भगवती क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच BCC रंगरा और पचगछिया के बीच खेला गया, जिसमें BCC रंगरा को पचगछिया की टीम ने पराजित कर दिया। पचगछिया की टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। रंगरा ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाया। जवाब में पचगछिया की टीम ने 19 ओवर 3 गेंद में 5 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाकर 5 विकेट से मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच राहुल को घोषित किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन करने आए गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। रंगरा आधार सेंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़। बड़ी संख्या में लोगों का नहीं हुआ काम, मायूस होकर लौटे घर। रंगरा आधार केंद्र का इन दिनों लोग रोज चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर दिन लोगों को मायूस होकर घर लौटना पड़ रहा है। कोई 2 दिन से लगातार आ रहा है तो कोई 5 दिन से लगातार आधार सेंटर पर आ रहा है। आधार कार्ड बनवाने आई सविता देवी ने कहा कि घर गृहस्थी में कामकाज रहने के बावजूद वह 3 दिनों से रोजाना आ रही है, लेकिन हर दिन उसे लौटा दिया जा रहा है। ललिता देवी, खुशबू देवी, संजय कुमार ने बताया कि हर तरह के सरकारी काम के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन कार्ड बनवाने या इसमें सुधार करवाने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार और प्रशासन द्वारा लोगों को बेवजह लाइन में खड़ा करके परेशान किया जा रहा है। लोगों को हो रही दिक्कतों की सूचना जब प्रखंड विकास पदाधिकारी को मिली तो उन्होंने आधार केंद्र कर्मी को अपने कक्ष में बुलाया और जल्द से जल्द कार्य निष्पादन करने का निर्देश दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि कार्य क्षमता से अधिक आ जा रहा है, जिसके कारण क्षमता से ज़्यादा आए लोगों का काम समय से नहीं हो पा रहा है। आए दिन इसमें सुधार किया जाएगा।